Hallelujah. Hallelujah. So, बहुत से लोग ऐसा एक गीत गाते हैं, मैं नाचूंगा किसके समान, सबको पता है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान, मैं नाचूंगा। मैं विश्वास करता हूं उस पर उस समय पवित्र आत्मा उतरा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि दाऊद ने पवित्र आत्मा में भरकर भजन संहिता को लिखा, भजन संहिता गाते थे वो। हालेलुया, हालेलुया। उस समय उस पर क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा उतरा वो क्या करने लगा? क्या करने लगा? नाचने लगा। हालेलुया। ऐसा वो नाचने लगा परमेश्वर की हजूरी में कि उसको कपड़ों तक का पता नहीं चला भी कपड़े कहां गिर गुर गए हैं, बंधे हुए होंगे, निकल निकल गए कैसे भी, और लंगोटा बंधा हुआ और नाच रहा है। हालेलुया। उसकी पत्नी कहती, उसने खिड़की में से देखा कि परमेश्वर के संदूक के आगे आगे नाचा नाच रहे हैं सब लोग। तो उसकी पत्नी कहती, अरे ये क्या है, राजा राजा होकर क्या कर रहा है ना, अपने कर्मचारियों के संग कैसे नाच रहा है। उसने उसका मजाक उड़ाया, उसने उसको तुच्छ जाना। बाइबल परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, यानी कि परमेश्वर ने उसे श्राप दिया और मरने तक उसके संतान नहीं हुई। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो मैं क्या करूंगा, नाचूंगा दाऊद के समान। हालेलुया। ठीक है, आप प्रभु की स्तुति कीजिए, यहां पर आजादी है, हमारी चर्च में यहां आजादी है। हालेलुया। कुछ जगह पर आप जाएंगे वहां आजादी नहीं है, आपको ऐसे करके खड़े रहना है या आपको बस ऐसे करके बैठे रहना है। बहुत से लोगों को तो ताली बजाने की भी आजादी नहीं है, लेकिन यहां दाऊद के समान आजादी है। हालेलुया। लेकिन एक बात और भी है, सिर्फ नाचने तक ही पवित्र आत्मा नहीं है, भी पवित्र आत्मा उतरा और वो नाचने लगे। जब पवित्र आत्मा उतरा तब उसने क्या किया? गोलियत को मार गिराया, जिसका राजा और शाऊल राजा और सारी सेना 40 दिन तक सामना नहीं कर सकी एक व्यक्ति का, उसको अकेले ही बालक ने भेड़ बकरियां चराने वाले बालक ने उसे मार गिराया और अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को विजय दिलाई। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा उतरता है दाऊद की तरह, ठीक है, और आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। हालेलुया। जब हम आराधना करवाते हैं उस समय आराधना के बीच में पवित्र आत्मा आप पर उतरता है, आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, हम भी सोचते हैं प्रभु का धन्यवाद कि आज की आराधना सफल रही, आज की बंदगी सफल रही। अगर हम आराधना करवा रहे हैं और आप लोगों पे पवित्र आत्मा नहीं उतर रहा तो हम लोग सोचते हैं आज की बंदगी सफल नहीं रही, क्योंकि लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं, लोगों पे पवित्र आत्मा नहीं उतरा। हालेलुया। यानी कि हम भी ये चाहते हैं
कि यहां चर्च में हर एक व्यक्ति के ऊपर क्या उतरे? पवित्र आत्मा उतरे, पवित्र आत्मा उतरे। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि दाऊद की तरह दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भी उठ खड़ा हो। हालेलुया। सिर्फ पवित्र आत्मा उतरे दाऊद की तरह, गीत गाते हैं मैं नाचूंगा दाऊद के समान जब पवित्र आत्मा उतरेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? गोफन, मैं गोफन चलाऊंगा दाऊद के समान, मैं शेर के मुंह को फाड़ डालूंगा दाऊद के समान। दाऊद भेड़ बकरियां चला रहा था, आपको मालूम है, तो उसके छोटे से मेमने को शेर ने पकड़ा। उसने क्या किया? बालों से एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से ऐसे नीचे यहां से पकड़ा, और क्या किया? दो फाड़ करके उसके मुंह से मेमने को बाहर निकाल लिया। जब भालू ने पकड़ा उसके मुंह से निकाला, बाहर निकाल दिया, उसको फाड़ डाला, मुंह फाड़ डाला उसका। वो कहता है मैंने भालू को भी मारा है, मैंने शेर को भी मारा है, हथियार से नहीं, हाथों से। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा सिर्फ उसी समय नहीं उतरता जब आपने पवित्र आत्मा में भरते हैं, पवित्र आत्मा उतरता है जब दुश्मन को धूल चटानी होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो दुश्मन को धूल चटाने के लिए दाऊद की तरह आपको पत्थर मारना है। दुश्मन को धूल चटाने के लिए दुश्मन पर क्या मारना है? पत्थर। अब घर, अपने घर जाते हुए हो सकता है रास्ते में आपके कई दुश्मन हो, और गली में से पत्थर उठाकर मारना मत शुरू कर दीजिएगा। जहां तो पूरा सुनिएगा, जहां मत सुनिएगा, अभी बीच में उठकर कोई ना जाए, ठीक है? नहीं तो गली में जाकर, जब पड़ोसियों में जाकर पत्थर उठाएगा, मारने शुरू कर देगा। क्या हुआ? बिशप जी ने कहा है, पास्टर जी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है कि अपने पत्थर उठाना है और उसको दुश्मन को मारना है दौड़ की तरह, और मैं भी आज दुश्मन को धूल चटा रहा हूं। जब पूरा सुने, बिल्कुल ना सुने। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान पर जब हम विजय पाते हैं तो हम हर दुश्मन पर विजय पा लेते हैं। आज जब आप यहां आए हो परमेश्वर की हजूरी में, सिर्फ बीमारियों से चंगाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, धन संपत्ति की आशाओं के लिए नहीं, आपको बनना है दाऊद के जैसा। हालेलुया, हालेलुया। पहला शमूएल 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय 4 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। अभी आज आपको पूरा वचन में पढ़ाना चाह रहा हूं ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला शमूएल 17 अध्याय 4 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे हम लोग। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीता थी। हाँ, तो क्या हुआ? एक तरफ शाउल राजा, इज़राइल का पहला राजा, इज़राइल का पहला राजा शाउल राजा, जिसने 40 साल तक राज्य किया था, शाउल और उसकी सेना के लोग पांति बांध के खड़े हुए थे युद्ध के लिए। पांति बांधते हैं ना, आपको मालूम है, एक लंबी सी लाइन होती थी, पांति होती थी, उसके बाद फिर एक पीछे पांति होती थी, उसका कमांडर कहता था चलो, और वो आगे वाले युद्ध के लिए चले जाते थे, उसके बाद कहता था आप भी चलो, फिर दूसरे कमांडर उसको भेजते थे दूसरी लाइन, ऐसा युद्ध होते थे जैसे। तो उधर भी दूसरी तरफ ही पांति बांध के खड़े होते थे। तो इधर शाउल राजा पांति बांध के खड़ा है और उसकी सेना सब खड़ी हुई है, दूसरी तरफ दुश्मन जो थे फिलिस्तीन, ठीक है,
फिलिस्तीनी जो थे उधर वो भी आ गए। तब उन दुश्मनों में से एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, गोलियत, दुश्मनों में से, ठीक है, दुश्मनों में से एक व्यक्ति था, उसका नाम था गोलियत। और कितना ऊंचा था वो, 6 हाथ 1 बीता, यानी कि 9 फुट ऊंचा था वो जवान, वो योद्धा, वीर लिखा है 9 फुट, ये 6 फुट और ये 9 से कम ही है, ठीक है, 9 नहीं है, 9 फुट लंबा था, योद्धा था वो, वीर था वो, बाइबल में लिखा कि वो वीर था, हालेलुया, 9 फुट लंबा, उधर से गोलियत नाम का एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीता थी। हाँ, 9 फुट लंबाई थी उसकी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। सिर के ऊपर क्या है, पीतल का टोप, ताकि कोई तीर कोई तलवार उसके सिर पर ना लगे। हाँ, और एक पत्थर का झिलम पहने हुए था। एक पत्थर की झिलम पहने हुए था, ठीक है, पत्थर की झिलम, झिलम आपको मालूम है, पूरी या बॉडी के ऊपर क्या पहन के रखते हैं, झिलम, जो युद्ध में जाते हैं, आपने देखा होगा, अगर टीवी में देखा होगा, वैसे नहीं देखा होगा, तो झिलम पहनी हुई थी, जिसका तोल 5,000 शेकेल पीतल का था। पीतल की झिलम थी जिसका तोल कितना था, यानी कि मैं आपको बताता हूं, 57 किलो की उसने झिलम पहनी हुई थी, 57 किलो, यानी कि जैसे मैंने चोला पहना हुआ है, चोगा पहना है, आपकी भाषा में चोला कह रहा हूं, तो ये ऐसे उसने पहन रखा था, कितने किलो का, 57 किलो का। आप में से कौन है जो 57 किलो हर वक्त पहन कर ऐसे चले, 57 किलो, 57 kg, 57 किलो, 57। लेकिन उसने वो पहना हुआ था 57 किलो का, और सिर के ऊपर पीतल का टोप था, पीतल की झिलम थी। हाँ, उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। और उसकी टांगों जो थी, लत्ता थे, टांगों पर क्या थे, पीतल के कवच थे, गोल गोल पीतल के कवच चढ़े हुए थे, ताकि कोई तलवार ना लगे, कोई तीर ना लगे, यानी कि यहां से लेकर पैरों तक वो क्या था, ढका हुआ था। उसके कंधों के बीच बर्शी बंधी थी। हाँ, कंधों के बीच में बर्शी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। उसके भाले का जो फल था 7 किलो का था, जैसे भाला, जैसे अपने समझ लो चाकू, और उसके आगे फल जो है चाकू का, ना ऐसे भाला होता था, भाले का फल 7 किलो का था, 7 किलो का, ठीक है, 57 और 7 कितना हो गया, 64 किलो, तो ऐसे वजन उठाया है सिर पे, और वो जो दूसरा है वो अलग है, ठीक है। हाँ, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। एक और बात थी, उसके आगे आगे कौन चलता था, एक व्यक्ति था, और उसने क्या उठाया था, ढाल। आपको पता है ढाल क्या होती है ना, ताकि कोई भी तलवार चलाए आगे ढाल कर देते हैं, तीर चले आगे ढाल कर देते हैं, उसके आगे एक व्यक्ति था जो क्या उठाकर चलता था, ढाल उठाकर चलता था। वे खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, खड़ा होकर परमेश्वर के लोगों को ललकारने लगा, इजरायलियों को ललकारने लगा, शाऊल और उसकी सेना को ललकारने लगा, तूने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है, हाँ, क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो, अपने में से एक पुरुष चुनो कि वे मेरे पास उतर आए, यदि वे मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, तो उसने कहा पांती क्यों बांधी हुई है युद्ध के लिए, ऐसा करो पंजाबी च, कल्ले नाल कल्ला, कल्ले ना कल्ला आजो, है ना, हम लोग गांव में होते थे, हमें पता है क्या करते थे, कल्ले ना कल्ला आजो भाई, है ना। तो उसने कहा ऐसे क्यों कर रखे हो पांती बांधी, इतनी लड़ाई की जरूरत नहीं है, इधर से मैं अकेला आ गया हूं, अपनी सेना में से किसी अकेले आदमी को भेज दो, मेरे साथ युद्ध कर ले, अगर वो जीत गया तो हम आपकी सेवा करेंगे,
अगर मैं जीत गया तो आप सब लोग हमारे अधीन हो जाओगे। फिर वे प्रिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पाकियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। हाँ, कहते वहां युद्ध में कौन थे? पुरुष ही तो गए थे। तो कहता है किसी पुरुष को भेजो। मैं इजरायली पांतियां बंधी हुई थी, जो सेना थी, उनको मैं ललकारता हूं कि किसी पुरुष को, अपने कहते नहीं कोई मर्द है तो भेजो, है ना। वो कहता कोई पुरुष है तो भेजो। तो पुरुष ही तो थे, जान के कह रहा था अभी आप में से कोई मर्द है तो मेरे सामने आ जाए, केले के साथ केला युद्ध कर ले। हाँ, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। क्या हो गया? उस योद्धे को देखकर, उस वीर को देखकर, जो लड़कपन ही से योद्धा था, उसको देखकर, उसकी बातें सुनकर राजा शाऊल और सारी सेना का मन, क्या लिखा है, मन कच्चा हो गया, मन घबराने लग गया और अत्यंत डर गए एक व्यक्ति से। अत्यंत सेनापति डर गया, राजा डर गया, युद्ध करने वाले बड़े बड़े जो थे वीर डर गए। इसलिए तो उसने कहा था कोई मर्द है तो, कोई पुरुष है तो उसको भेजो मेरे सामने। तो कोई भी नहीं निकला वहां, कोई भी नहीं निकला। 11 हो गया, 16 पढ़िए। वे पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। हाँ, कितने दिन? 40 दिन तक, सुबह भी और शाम को भी। क्या करता? शाम को भी जाता, सुबह भी जाता, कहता आ जाओ, है ना, एक व्यक्ति से एक आ जाओ, अगर युद्ध करना, मैं जीत गया तो तुम हमारे अधीन हो जाओगे, अगर मैं हार गया तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। लेकिन सारी सेना, राजा क्या हो गए? डर नहीं गए। क्या लिखा है? अत्यंत डर गए, अत्यंत डर गए, बहुत ज्यादा डर गए और उनका मन कच्चा हो गया। हालेलुया। आज मैं आपको दुश्मन पर विजय पाने के लिए बता रहा हूं। आप कह रहे होंगे कि पास्टर जी हम तो आए थे बीमारी से चंगा होने के लिए, आप तो युद्ध करना सिखा रहे हैं। ठीक है, बीमारी से युद्ध करना है बच्चा। ठीक है, बीमारी तुम्हारी मित्र है कि दुश्मन है? बीमारी आपकी दुश्मन है कि मित्र है? दुश्मन है ना, फिर उसके साथ ही तो युद्ध करना है। जो गरीबी और कंगाली है, जो कर्जापन है, वो तुम्हारा मित्र है कि दुश्मन है? तो उसी से तो युद्ध करना सिखा रहा हूं। जो दुष्ट आत्मा है वो तुम्हारी मित्र है? दुष्ट आत्मा है किस किस की मित्र है? ये हमारी मित्र नहीं है, दुश्मन है। अच्छा, आप सफलता पाना चाह रहे हो और सफलता के बीच में जो रुकावट आ रही है वो क्या है? मित्र है, दुश्मन है। शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, रिश्ता नहीं आ रहा और रुकावटें आ रही हैं। क्या हैं वो रुकावटें? तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन है? जो आपस में, पति और पत्नी में झगड़ा करवाती है वो कौन है? आदमियों की बात नहीं कर रहा, शैतान की बात कर रहा हूं। वो क्या है? दुश्मन है। तो आप इस बात को समझे, कई प्रकार के जो होते हैं दुश्मन होते हैं। हालेलुया। तो आप वचन को पूरा समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा पत्थर भी क्या है, जो फेंकना है, जो मारना है, जिससे आपको विजय मिलनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब 40 दिन जब बीत गए तो दाऊद के पिता चिंता करने लगे। आज की तरह टीवी में लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा था, लाइव नहीं चल रही था युद्ध, जैसे अभी यूक्रेन का और रूस का लाइव चल रहा है ना? तो उसने कहा ऐसा कर, कुछ अंजीर की टिक्कियां, कुछ सामान लेकर तू जा, तेरे भाइयों का कुशल से पूछ के आ, और सेनापति के लिए भी कुछ ना कुछ ले जा। सेनापति का भी मन कच्चा हुआ हुआ था, डरा हुआ था अत्यंत। हालेलुया, हालेलुया। जब आप हालेलुया कहते हैं तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो जब दाऊद वहां आया, दाऊद भेड़ बकरियां चराता था, दाऊद तो अभी बच्चा था,
दाऊद अभी बच्चा ही था, वो जैसे दाऊद गया और वो क्या फिर निकला, कहता आ जाओ भाई जिसने आना है। ये देखकर घबरा गया, मतलब घबराया इस बात के, वैसे नहीं घबराया उसको डर कर, इस बात के लिए हो गया कि इनमें से कोई भी उठकर नहीं जा रहा, मतलब वो सोचने लग गया भी इसका मुकाबला करने के कोई भी नहीं जा रहा। उससे भयभीत होकर नहीं घबराया वो इस बात के लिए, कभी कोई भी नहीं आ रहा, चल ठीक है मैं ही जाता हूं इसके लिए युद्ध करने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजा ने यह कहा था जो इसको इससे युद्ध करेगा और इसे मार देगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। यह कहानी नहीं और असली बात है, मिकल की बात हो रही है, शौल की जो बेटी थी उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो फिर इसने जब थोड़ी सी बात की मैं युद्ध लड़ूंगा वो बात फैलती 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 राजे तक पहुंच गई। राजे तक जब बात पहुंची, इसका 32 और 33 वचन पढ़ना, 32 और 33 वचन। तब दाऊद ने शाऊल से कहा किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। राजा को कह रहा जाकर, छोटा सा बच्चा जिसका नाम क्या था, दाऊद, कहता क्या कहता है किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। किसी मनुष्य का मन उस व्यक्ति के कारण कच्चा ना हो, किसी मनुष्य का मन दुश्मन के कारण कच्चा ना हो, दुश्मन के कारण कच्चा ना हो, उस दुश्मन के कारण किसी का मन कच्चा ना हो। राजा तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। मैं जाकर उससे लड़ूंगा। हालेलुया, मैं जाकर उसे लड़ूंगा। किसी का मन कच्चा ना हो, कोई ना घबराए, मैं लड़ूंगा। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा उस पर उतरा था उस समय। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा उस समय उस पर उतरा था। हालेलुया, अभी हम जब गए थे वहां प्रदर्शन के लिए, जिनको कुछ आता ही नहीं था बोलना, वो भी बोल रहे थे, वहां जाकर नारे लगा रहे थे, उन पर पवित्र आत्मा उतरा था। और कुछ राजा जैसे, शाऊल राजा जैसे चुप करके बैठे हुए थे वहां पर, सेना चुप करके बैठी हुई थी, जब पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा गुनगुन करते थे, लेकिन जिस पर पवित्र आत्मा उतरा हुआ था मैं देख रहा था, जिन पर पवित्र आत्मा उतरा हुआ था वो दौड़ की तरह कह रहे थे, वहां पर चिल्ला रहे थे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खैर, तो उसने कहा किसी का मन कच्चा ना हो राजा, मैं जाऊंगा, मैं उसे युद्ध करूंगा। 32 और 33। शाऊल ने दाऊद से कहा, राजा ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तू उसके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, तू तो अभी लड़का ही है, बालक नहीं है, तू अभी बालक नहीं है, बालक 18 साल का भी नहीं है, तू तो अभी लड़का ही है, तू युद्ध नहीं कर सकता, और वे लड़कपन ही से योद्धा है। तू अभी लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है। शाऊल राजा जानता था कि ये गत का गोलियत जो है ये लड़कपन से ही क्या है, योद्धा है, और तू अभी लड़का है तो वो तो जब लड़का था तब से योद्धा है, तेरा और उसके साथ क्या मेल, तू नहीं लड़ सकता। तब उसने राजा को कन्विंस किया, राजा को समझाया कि मैंने भालू को फाड़ दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। तब राजा ने कहा ठीक है तू जा युद्ध के लिए। अच्छा, फिर 38 39 और 40 वचन पढ़िएगा। 38 39 तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। तब राजा ने क्या किया, अपने वस्त्र किसको पहनाए, दाऊद को पहना दिए, और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया, उसके सिर के ऊपर पीतल का टोप रख दिया, और झिलम उसको पहनाया। तब झिलम क्या की, उसको झिलम पहना दी। हाँ, तब दाऊद ने उसके तलवार वस्त्र के ऊपर कसी, और राजे ने क्या किया, उसके ऊपर वस्त्र यहाँ ऐसे तलवार टांग दी, और चलने का यत्न किया। तो दाऊद क्या है, थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा है, चलने का यत्न किया उसने, उसने तो उनको न परखा था, उसने तो कभी पहने नहीं थे, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे नहीं चला जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा, मैंने कभी पाए पहने नहीं है, मैं तो भेड़ बकरियां चराता हूँ,
नाथ में जो टोप पहन रखा है, ऊपर से जिलम आपने दे दी और तलवार दे दी, मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाया, मेरे से ये कपड़े और ये तेरा जो युद्ध का सामान है ये मेरे से नहीं होगा। हाँ, और दाऊद ने उन्हें उतार दिया, दाऊद ने उतार दिया, हालेलुया। और फिर वो कपड़े पहन लिए भेड़ बकरियों को चराने वाले, फिर वो हथियार ले लिया, वो लाठी बांकी टेढ़ी सी लाठी सोटी जिससे भेड़ बकरियों को चराता था, फिर उसने वो ले लिया जो उसके पास एक थैली होती थी, चरवाहे की थैली कहते हैं, वो चरवाहे की थैली एक साइड पर लटकाई होती है जिसके अंदर वो खाना या कुछ और डालते रहते हैं, वो उसने ले ली। हालेलुया। हाँ, 40 तक पढ़ना है। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, हाँ, और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर, तो वहां से जैसे थोड़ा सा चला, नाले में से क्या लिए, 5 पत्थर, चिकने पत्थर उसने उठा लिए, अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, झोले में रख लिए, और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। गोफन ले लिया, है ना, आपको पता है गोफन, जानते हैं गोफन क्या होता है, जैसे लंबी सी छोटी, एक छोटी तो गलेल होती है, लेकिन अगर उसको ऐसे ही करके थोड़ा लंबा सा लिया जाता है, जब उसे ऐसे घुमाकर ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं, है ना, तो गोफन, है ना, आपको पता ही होगा, हम लोग तो जानते हैं इस बात को, आप लोगों को भी मालूम है क्योंकि इधर के एरिए में आपने देखा होगा, गोफन को ऐसे घुमाकर उसको मारते हैं, भेड़ बकरियां दूर हों, ऐसे घुमाकर करते थे और वो भेड़ बकरी जो छिंट रही होती थी पास में आ जाती थी। ठीक है, उसने पत्थर ले लिया, फिर 41 से 44 तक, 41 to 44, फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। हाँ, और तो जो जब फिलिस्ती चलने लगा, चलते चलते फिर दाऊद के पास आने लगा, इधर से दाऊद चल रहा है। हाँ, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था, हाँ, वे उसके आगे आगे चला, वो आदमी जो आगे ढाल लेकर चल रहा था वो उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, हाँ, क्योंकि वे लड़का ही था, लड़का ही था वो, और उसके मुख पर लाली झलकती थी, हाँ, और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हाँ, कहता मैं कुत्ता हूँ जो लाठी लेकर मेरे पास आ रहा, तू मैं कुत्ता हूँ? हाँ। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। तब फिलिस्ती जो दुश्मन था अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा, भी मैं फलाने देवते का, जो उस समय के थे जो भी देवताओं के नाम लेकर, मैं आज तेरा मांस चिड़ियों को खिलाऊंगा, मैं आज तुझे काट कर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आज के बाद तेरा नाम निशान मिटा दूंगा, अपने देवताओं के नाम लेकर कोसने लगा वो। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। हाँ, लिखा ही हुआ। फिर कहता मेरे पास आ, मैं तेरा तुझे उड़ाता हूँ। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो 45 से ना 45, हाँ, तू तो तलवार भाला सांग लिए मेरे पास आता है। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। तू तो तलवार तलवूर लेकर आ रहा है, मैं परमेश्वर का नाम लेकर आ रहा हूं तेरे पास, मैं परमेश्वर का नाम लेकर तेरे सामने आ रहा हूं। और हाँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, हाँ, और उसी को तूने ललकारा है। हाँ, परमेश्वर को तूने ललकारा है। तूने किसको ललकारा है? परमेश्वर को ललकारा है तूने। वो अपने देवताओं के नाम लेकर उसको कह रहा था, तेरा तो मांस उड़वा दूंगा मैं, आज चिड़िया खा जाएंगे तुझे तो, पक्षी खाएंगे तुझे तो। इसने कहा, तू तो अपने देवताओं के नाम से आ रहा है, हथियार थूर लेकर आ रहा है, लेकिन मैं तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, और आज तेरी तलवार से तेरा सिर काटूंगा। क्योंकि वो अपनी तलवार तो उठा नहीं सका, तेरी तलवार से तेरा सिर काटूंगा। तब 49:49 वचन, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर, हाँ, उसमें से एक पत्थर निकाला। कितने पत्थर निकाले? एक पत्थर निकाला।
और उसे गोफन में रखकर प्लिश्ती के माथे पर ऐसा मारा, ऐसे घुमाया उसने, कैसे ऐसे घुमाया, घुमाकर ऐसा मारा, कहां मारा, माथे पे। देखो यहां पर, यहां उसने पीतल का टोप पहना हुआ था, नीचे झिलम पहनी हुई थी, जो आगे वो ढाल लेकर चल रहा था, ये तो 9 फुट ऊंचा था, वो 6-7 फुट होगा, तो ये तो खाली था उसका, यहां भी कवर था, वो सब, ये सब कवर था, सिर्फ यहां से ऐसे आंखें, यहां से इतना सा, ये जो था ये बार था, और जो पत्थर उसने मारा वो यहां यहां लगा, यहां लगा, हाँ, और उसे गोफन में रखकर प्लिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हाँ। हालेलुया। इसने क्या किया, उसकी छाती पे चढ़ गया, उसकी तलवार खींची और उसके सिर के गले पे ऐसे करके मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। एक ही पत्थर से दुश्मन मारा गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो पत्थर कौन था? इफिसियों 2:20 पढ़िएगा, इफिसियों 2:20। हालेलुया। निखरा बारा सिखा ना तना सखा लबोरो सखा बनना तनमा। परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे दुश्मन हराए जाएंगे। इस समय मुझे जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, आपके दुश्मन जो हैं वो मारे जाएंगे एक पत्थर से। जो इस समय मुझे देख रहे हैं, लंदन से देख रहे हैं, और जितने भी मुझे देख रहे हैं, आपके दुश्मन मारे जाएंगे। वो पत्थर कौन था? इफिसियों 2:20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। हालेलुया। कोने का पत्थर जो है मसीह यीशु स्वयं है। हालेलुया। कोने का पत्थर जो है मसीह यीशु स्वयं है। आपको मालूम है, जो कोने पे पत्थर लगाते थे, जो सबसे मजबूत पत्थर होता था उसे कोने पे लगाते थे। कोने पे लगाने का मतलब, जैसे ये दीवार है, आपको मैं बता ही दूं क्या था, यहूदी करते थे, इजरायली करते थे, ये दीवार ऐसे है और ये दीवार ऐसे है, वो कोने का वो कोना है, तो वहां पर जो पत्थर लगाते थे, मतलब वहां का मतलब इस कोने में ऐसे नहीं जैसे अपने टाइल लगाते हैं, वो वाला नहीं, दोनों दीवारों के नीचे, दोनों दीवारों के नींव में जो पत्थर लगा देते थे, उसके ऊपर ये दीवार का कोना और उस दीवार का कोना रखते थे, वो कोने का पत्थर जो होता था, जो सबसे मजबूत होता था, उसे वहां रखा जाता था, कोने का पत्थर। ठीक है, तो राज मिस्त्रियों ने जिसे तज दिया, जो फरीसी और सदूखी थे, उन्होंने उस पत्थर को तज दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया, ये छोड़ो ये कौन सा पत्थर है, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, कोने का पत्थर बना दिया। पूरे घर के अंदर सबसे मजबूत जो पत्थर होता था उसे कोने पे लगाया जाता था। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर नींव रखी जाती थी, उसके ऊपर दीवारें खड़ी की जाती थी। तो परमेश्वर के लोगों, कोने का पत्थर जो कौन है, क्या लिखा हुआ है, मसीह यीशु खुद है, पर यीशु मसीह उस कोने का पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब दुश्मन को हराने के लिए आपको क्या लेना है, क्या लेना है, दुश्मन को मारने के लिए, दुश्मन को धूल चटाने के लिए, पवित्र आत्मा में भरकर आपको क्या लेना है, पत्थर। क्या लेना है, पत्थर। क्या लेना है, कोने का पत्थर। उसने चिकना सा लिए पत्थर, और कोने का पत्थर कौन है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को थैली के अंदर
कहां रखना है? थैली में। कौन सी थैली में? तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल की थैली में, तुम्हारे मन की थैली में। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर उस पत्थर को रखना है। और फिर क्या करना है? पत्थर को गोफन में रखना है। किसमें? गोफन में। किसमें? गोफन में। गोफन क्या है? नहीं मालूम? तुम्हारा मुंह है। हालेलुया। गोफन तुम्हारा मुंह है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तुम्हारे मन के अंदर है वो तुम्हारे मुंह से बाहर निकलता है। पर यीशु मसीह जी कहते हैं जो कुछ तुम बोलो और विश्वास करो कि जो मैंने बोला वो मेरे लिए हो गया तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अपने मन से, अपने दिल से आपने पत्थर को कहां लेकर आए? गोफन में लेकर आए। हालेलुया। गोफन में लिया और कुमाया, गोफन में रखा और फेंक दिया। हालेलुया। यानी कि अंदर में, अंदर क्या है? थैली में क्या है? बोलो, थैली में क्या है? प्रभु यीशु मसीह, वो कोने का पत्थर। मुंह में क्या किया? उस पत्थर को मुंह में रख लिया। उस पत्थर को मुंह से फेंकना है। कैसे फेंकते हम लोग? बीमारी प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जा। क्या किया? फेंका, पत्थर फेंका, पत्थर मारा और बीमारी मर गई। वो बहन कह रही थी अल्ट्रासाउंड करवाया हम लोगों ने और उसकी क्या निकली? हर्निया थी बच्चे की। हम लोगों ने क्या किया? पत्थर का इस्तेमाल किया, गोफन में कुमाया और बोले पर यीशु के नाम से हर्निया इस बच्चे को छोड़ा, निकल सा। पत्थर लगा, दुश्मन ढेर हो गया। पत्थर लगा, दुश्मन मार दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पत्थर से मार दिया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनमें दुष्टात्मा होती हैं, कितने लोग कहते हैं हमारे अंदर दुष्टात्मा थी, 20 सालों से दुष्टात्मा, 15 सालों से दुष्टात्मा। हम लोग क्या करते हैं? उस दुष्टात्मा जो हमारे दुश्मन है, पत्थर फेंकते हैं, पत्थर मारते हैं। कैसे? दिल दिमाग में अंदर कौन बसा हुआ है? हमारे मन की थैली में कौन है? हमारे मन विचारों में कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हम अपने मुंह से पत्थर मारते हैं। ऐ दुष्ट आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जा। ऐ दुष्ट आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से इसको छोड़ और बाहर निकल जा। जैसे पत्थर मारते हैं, निशाने पर लगता है। हालेलुया, निशाने पर लगता है और दुश्मन खत्म। दुश्मन, दुश्मन, ऐसा ना कर जा, पर यीशु के नाम से खत्म हो जा। दुश्मन, सारी असफलता पर यीशु के नाम से खत्म हो जा। दुश्मन खत्म। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता आप राजा ना हो, हो सकता आप राजा की सेना ना हो, हो सकता आप भेड़ बकरियां चराने वाले ही हो, हो सकता आप योद्धा ना हो, लेकिन अगर आपने पत्थर चलाना सीख लिया है, गोफन में रखकर पत्थर को फेंकना सीख लिया है, दुश्मन मारा जाएगा, दुश्मन मारा जाएगा। आपका कोई भी दुश्मन है वो मारा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन उसके लिए पत्थर तो वहां पड़ा ही हुआ था, पत्थर तो वहां थे पहले भी, लेकिन ना तो राजा शाऊल ने उठाया, ना ही सेनापति ने, कई सेनापति थे वहां पर, ना किसी सेनापति ने, ना राजा के बेटे ने, और ना ही सैनिकों ने। दाऊद पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, पवित्र आत्मा से ये काम हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहते हैं मैं नाचूंगा दाऊद के समान, नाच के पवित्र आत्मा में कोई बात नहीं, हम मना नहीं करते, लेकिन दाऊद के समान पत्थर भी चलाइए।
जरूरत है दौड़ की तरह पवित्र आत्मा में भरकर पत्थर को चलाने की, और वो पत्थर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आप अपने घरों में आप चलते फिरते उठते बैठते अपने मुंह से क्या बोलें? प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान की शक्तियां क्या हो जाएं? नष्ट हो जाएं। अपने मुंह से क्या फेंकते रहें? पत्थर को फेंकते रहें। अपने मुंह से पत्थर को मार, पत्थर क्या है? प्रभु यीशु मसीह। आप अपने मुंह से सिर्फ कहें, गोफन क्या है? आपका मुंह है, थैली क्या है? आपका दिल है। आप वहां से कहें प्रभु यीशु के नाम से शैतान की शक्तियां खत्म हो जाएं। शैतान की शक्तियों को हम धकेलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के, शैतान की शक्तियों को हम नष्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, शैतान की योजनाओं को हम नष्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, शैतान की योजनाएं मिटाई जाएं। हालेलुया। आप आटा गूंथ रहे हैं फिर भी आप युद्ध कर सकते हैं। जितनी बहने हैं आटा गूंथते हुए भी युद्ध कर सकती हैं, पत्थर चलाते रहे प्रभु यीशु के नाम से, शैतान की ताकतें खत्म हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से, दुश्मन की चलाकियां खत्म हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमें विजय मिले। उसने कहा हम परमेश्वर यहोवा के नाम से आते हैं। हालेलुया। जिसको तूने ललकारा है, जिसको तूने ललकारा है, परमेश्वर के लोगों, आप झाड़ू बहने झाड़ू लगा रही हैं, क्योंकि बहनों की गिनती ज्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप झाड़ू लगा रही हैं तो आप दुश्मन के ऊपर पत्थर फेंकते रहे। हालेलुया। कहते रहे शैतान की ताकतें, दुश्मन की ताकतें प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो। जानने के मेरे कहने का मतलब है, अगर आप बाइक चला रहे हैं दुश्मन को मारते रहे। हालेलुया। आप अपने मुंह से, बस आप अपने मुंह से बोलते रहे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, इसका मतलब वो कोने का पत्थर है, वो सही ठिकाने पे अपने आप जाकर लग जाएगा। हालेलुया। वो सही ठिकाने पे अपने आप लगेगा। आप अपने मुंह से बोलते रहें, कहां पर भी हैं, चाहे आप इंडिया के अलग अलग जगहों से मुझे देख रहे हैं, चाहे आप विदेशों से मुझे देख रहे हैं, चाहे यहां आप चर्च के अंदर हैं, आप अपने मुंह से, आपका मुंह गोफन है, बोले प्रभु यीशु के नाम से हमें विजय मिले। वो पत्थर को फेंके आप, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें सफलता मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वहां भव्य चर्च बने, प्रभु यीशु के नाम से वहां बड़ी बंदगियां हों, प्रभु यीशु के नाम से वहां हमें सफलता मिले, और अपने लिए भी आप दुश्मन को मारते रहें। दुश्मन जो आपका दुष्ट आत्मा है, दुश्मन जो आपकी गरीबी है, दुश्मन जो आपकी असफलता है, दुश्मन जो आपके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, दुश्मन जो आपका नशा है, दुश्मन जो आपके पाप हैं, उन्हें के ऊपर पत्थर को फेंकते रहिए। दाऊद बने, दाऊद बन जाए। हालेलुया। अगर आप कहते हैं हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो दाऊद बन जाए। अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा आता है और आप दाऊद की तरह पवित्र आत्मा में भरकर नाचते हैं तो आप युद्ध के लिए भी तैयार रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उस युद्ध में आपको तलवार नहीं चलानी। दाऊद ने कोई तलवार नहीं चलाई, दाऊद ने कोई भी हथियार नहीं पहने, दाऊद ने कोई भी युद्ध के वस्त्र नहीं पहने, सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल किया, और वो था प्रभु यीशु मसीह, कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह। आप अपने मुंह से कहते रहे, आपकी बीमारियां हैं, आपके दुष्ट आत्मा है, चाहे आप किसी मुसीबत में घिरे हुए हो, चाहे आप किसी संकट में पड़े हुए हो, बस आप बोलते रहे प्रभु यीशु, 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 शैतान की ताकत नाश हो जाए प्रभु यीशु, बीमारियां नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह जी, ऐसा हो जाए और पत्थर निकलता रहेगा, निशाने पर लगता रहेगा। आप अपने लिए प्रार्थना करें, आप चर्च के लिए प्रार्थना करें, आप उस बड़ी चर्च के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन विजय उसको मिलती है जब पवित्र आत्मा उतरता है और वो पत्थर से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। एक पत्थर से, एक पत्थर से, एक पत्थर से, एक पत्थर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसको सारी सेना, शाऊल की सेना ने हरा सकी, जिसको शाऊल नहीं हरा सका राजा, जिसको बड़े बड़े सेनापति नहीं हरा सके, दाऊद ने पवित्र आत्मा में भरकर एक पत्थर चलाया। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा में भरकर एक पत्थर चलाया, अपने मुंह से बोल लें प्रभु यीशु के नाम से, शैतान की ताकत नष्ट हो जाओ,
प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा की ताकत नष्ट हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम से जादू टोने की ताकत नष्ट हो जाओ, आपके लिए वो हो जाएगा, आपके लिए वो हो जाएगा, आपके लिए वो हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा। आपका कोई भी संकट है, आपके कोई भी संकट है, आपकी कोई भी बीमारी है, आपके कोई भी पीड़ा है, आप जानते हैं वो आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है, आपकी बीमारियां आपके दुश्मन है, जितने भी आपके दुश्मन हैं, आपकी बीमारियां, आपकी पीड़ाएं, आपकी संकट, आपकी परेशानियां, मैं आपसे कहता हूं मुंह से बोले परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर मसीह के नाम से ऐसा हो, परमेश्वर मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, परमेश्वर मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, परमेश्वर मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, आप बोले परमेश्वर मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आप बोले परमेश्वर मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, वो आपके लिए हो जाएगा। वो कोने का पत्थर है, आपको दलेर बनना है, आपको योद्धा बनना है। वहां दूसरे योद्धे थे लेकिन पवित्र आत्मा में भरा हुआ योद्धा चाहिए था, वहां सेनापति थे लेकिन पवित्र आत्मा में भरा हुआ योद्धा चाहिए था, वहां राजा था लेकिन पवित्र आत्मा में भरा हुआ दाऊद चाहिए था, हालेलुया, जिसने कभी तलवार को हाथ नहीं लगाया था। ओरी बाला सबा बाबा नत न सखा ओरी से बिनी तमाना न थला बा सखा लबरनामा। आपके दुश्मन कोई भी दुश्मन है, कुछ लोग अपने पेज के ऊपर लिखवा कर लाए हैं मेरी यह बीमारी है, मेरा यह संकट है, मैं आपसे कहता हूं आपका कोई भी दुश्मन है, कोई भी बीमारी है, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई जादू टोने की ताकत है, हर एक दुश्मन नष्ट किया जाएगा, हर एक दुश्मन नष्ट किया जाएगा, हर एक दुश्मन नष्ट किया, असफलता को नष्ट किया जाएगा, निराशा को नष्ट किया जाएगा, असफलता और निराशा को नष्ट किया जाएगा, हालेलुया 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 हालेलुया। आप पत्थर को चलाएं, अपने मुंह से, अपने दिल से निकाल लें, अपने दिल से अपने मुंह तक लेकर आए। बाइबल परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है मरकस 11 में के जब आप मुंह से बोलेंगे जो आपने बोला उस पर विश्वास करें। उसने कहा आज तेरा मांस मैं पक्षियों को खिलाऊंगा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, ऐ दुश्मन तू आज मेरे हाथों से मारा जाएगा, तेरी तलवार से तुझे मैं काटूंगा। आप परमेश्वर के लोगों बोलें, अपने मुंह से प्रभु यीशु का नाम लेकर बोलें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से ऐसा हो, और उस बात पर विश्वास कर ले तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उस बात पे विश्वास करें और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, उस बात पे विश्वास करें वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको विजय देने वाला है एक पत्थर, आपको विजय देने वाला है एक पत्थर, जिससे राज मिस्त्रियों ने, जो मिस्त्री थे चिनाई के मिस्त्री, उन्होंने तुच्छ जाना, उन्हें परखनी थी, यानी कि सदूकी और फरीसी थे जो समय के, लेकिन वही कोने का पत्थर हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वही पत्थर मसीह यीशु है। हालेलुया हालेलुया। अपने मुंह से प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु, अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर बोलिए, आप बोलिए विजय आपकी है। आप दाऊद की तरह उठ खड़े हो, आप दाऊद की तरह पवित्र आत्मा से भरकर काम करें, आप दाऊद की तरह दलेरी रखें, आप दाऊद की तरह दलेर बन जाए, आप दाऊद की तरह दलेर बन जाए। पवित्र आत्मा सिर्फ नचने के लिए नहीं उतरता, परमेश्वर का आत्मा सिर्फ नाचने और गाने के लिए नहीं उतरता, परमेश्वर का आत्मा युद्ध के लिए भी उतरता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम्हारा दुश्मन शैतान, पहला पत्रस 5:8 में लिखा है तुम्हारा दुश्मन शैतान गर्जने हुए शेर की तरह तुम्हें ढूंढता है किसको फाड़े और खा डाले, इससे पहले कि वो तुम्हें फाड़े और खा डाले आप दुश्मन को फाड़ डालो। हालेलुया हालेलुया। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, पढ़ना पहला पत्रस 5:8। होरी सी बाना इंदरा सिखरा सखा बाबा ना तनासा हेरे बेबरे तेरे सिखरे बहनामा। दाऊद ने कहा मैंने शेर को फाड़ा है। हालेलुया। दाऊद पर पवित्र आत्मा उतरा और उसने शेर को फाड़ डाला, दो हिस्से कर दिया, फाड़ डाला, नहीं तो शेर उसे फाड़ डालता, नहीं तो शेर उसकी भेड़ बकरियों को फाड़ डालता। मैं आपसे कहता हूं अगर शेर को आप नहीं फाड़ेंगे तो शेर आपको फाड़ डालेगा। पढ़ना सचेत हो और जागते रहो,
क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, सुचेत हो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा दुश्मन शैतान, तुम्हारा दुश्मन शैतान, तुम्हारा दुश्मन शैतान गर्जने वाले सिंह के समान, गर्जने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ डालूं। हालेलुया। तुम्हारा दुश्मन इस खोज में रहता है शेर की तरह, इसको फाड़ूं, इसको फाड़ूं, इनका पैसा फाड़ूं, इनकी धन संपत्ति फाड़ूं, इनके अंदर जो आशा है उसे फाड़ूं ताकि निराशा आ जाए, सफलता को फाड़ूं ताकि असफलता आ जाए, धन संपत्ति को फाड़ूं ताकि कंगाली आ जाए, इनके शरीरों को फाड़ूं ताकि बीमारियां आ जाएं, इसमें ताक में लगा रहता है किसको फाड़ूं इससे पहले कि वो फाड़े। दाऊद ने जो किया था पवित्र आत्मा में भरकर शेर को फाड़ डाला था। तुम्हारा दुश्मन शैतान तुम्हें फाड़ने के लिए फिरता है, तुम्हारा दुश्मन शैतान तुम्हें ढूंढ रहा है फाड़ने के लिए, इससे पहले कि वो आपको फाड़े उस दुश्मन को फाड़ डालो। हालेलुया, 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 हालेलुया। शेर को फाड़ डालो उस दुश्मन को, और कैसे फाड़ना है? पत्थर। पत्थर क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से बोलते हुए कि प्रभु यीशु मसीह जी, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु